नंदा नगर रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे अंडरपास का काम जोरों पर है। बुधवार को रेलवे द्वारा उस रूट पर ट्रेनों का संचालन रोककर कार्य किया गया, जिसका मौके पर पहुंचकर सीपीआरओ संजय कुमार यादव ने निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया। बुधवार को 10 घंटे का पूरी तरह से ब्लॉकेज रहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीपीआरओ संजय कुमार यादव ने बताया। ये देखिए, नंदा नगर लेवल क्रॉसिंग के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये 157 स्पेशल लेवल क्रॉसिंग है। इस पर ये हम लोग दो अंडरपास डाल रहे हैं, एक आने वाले ट्रैफिक के लिए, एक जाने वाले ट्रैफिक के लिए। तो ये आज 24 तारीख को एक साइड का हम लोग ब्लॉक लिए हुए हैं और पूरा टोटल ट्रेन ब्लॉकेज है सुबह 7:40 से शाम को 7:40 तक। तो उसमें जो है ये बॉक्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बॉक्स करके डाले जा रहे हैं और उसके बाद हम इसको ट्रैफिक रिस्टोर कर देंगे, रेलवे ट्रैफिक। फिर 28 तारीख को दोबारा हम ब्लॉक लेंगे, तो दूसरी साइड का जो है उसको भी हम डाल के फिर ये दोनों साइड के अंडरपास जो है, रेलवे का पोर्शन का काम जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। अप्रोच का जो है वो PWD कर रहा है, UP PWD। तो उसके बाद जब वो अपना काम कर लेंगे तो दोनों अंडरपास कमीशन हो जाएंगे।